इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर्स कहता है कि अगर आपने कोई से दो वेक्टर्स का सम लेना है तो ऐड करना है, आप पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन करें, एक तीसरी लाइन जो उन वेक्टर्स को आपस में ज्वाइन करेगी वो उस वेक्टर का सम होता है। फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरह से समझते हैं, हमारे पास एक वेक्टर है ए और एक दूसरा वेक्टर है बी। अब अगर हमने इन दोनों को ऐड करना है तो इसके लिए रूल क्या है, वेक्टर ए का जो हेड है उसको वेक्टर बी की टेल के साथ हम ज्वाइन करेंगे, बी ए, और थर्ड लाइन जो वेक्टर ए की टेल वेक्टर बी के हेड के साथ मिलाएगी ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। और ये किसके इक्वल होगा, ये बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी। इस लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन भी कहते हैं। ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन के अलावा एक और लॉ बनता है हमारे पास, उसको कहते हैं पैरेललोग्राम। उसको समझने के लिए हम ये डायग्राम दोबारा ड्रा करते हैं, वेक्टर ए बी और ये रिजल्टेंट वेक्टर आर। सपोज हम बी वेक्टर को यहाँ ड्रा करते हैं, बी वेक्टर का जो हेड है उसको ए वेक्टर की टेल के साथ अगर ज्वाइन कराते हैं देन ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसको हम कहते हैं बी प्लस ए और ये होगा ए प्लस बी। और अगर बी वेक्टर का हेड ए वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन करें तो फिर जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसको हम कहेंगे बी प्लस ए। तो ये जो पूरा लॉ है ये इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम ही बन गई है। पैरेललोग्राम की शेप इस तरह से होती है, ये पैरेललोग्राम की शेप होती है, लिहाजा इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और इस लॉ को हम कहते हैं क्योंकि ये ट्रायंगुलर शेप बन रही है तो इसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन वेक्टर के हवाले से एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हेड टू टेल रूल क्या होता है। तो जैसा कि हमने अभी बयान किया कि अगर हम वेक्टर ए या पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिलाएं तो हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर हासिल होता है जिसको ए प्लस बी कहते हैं, तो ये जो रूल है इसको इस रूल को हम हेड टू टेल रूल भी कहते हैं। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में ये चीज़ वाजह तौर पर देखी जा सकती है कि जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है ये कॉमुटेटिव होते हैं, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, कॉमुटेटिव। लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर इज कॉमुटेटिव। अब हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। जब भी आपने किसी दो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी हो या ए माइनस बी अगर फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल एक ए माइनस बी, तो ये भी एक तरह से हम एडिशन ही करेंगे जैसे हमने वेक्टर्स को ऐड किया था ए प्लस बी, लेकिन इसमें फ़र्क आ रहा है माइनस बी। ए माइनस बी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए वैक्टर प्लस माइनस बी वैक्टर, ये हमारा a माइनस बी के इक्वल है। तो इससे हम ये सीखते हैं कि अगर जब भी a माइनस बी करना हो या b वेक्टर को a में से जब माइनस करवाना है तो हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे उस वेक्टर का नेगेटिव, माइनस बी फाइंड करेंगे और नेगेटिव वेक्टर फाइंड करने के बाद हम उस नेगेटिव वेक्टर को a वेक्टर में ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो वैक्टर्स हैं, ए वैक्टर हमारे पास ये है, इस वेक्टर को हम नाम देते हैं ए, और एक वेक्टर है हमारे पास बी। अब हमने सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी है ए माइनस बी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम बी का नेगेटिव वेक्टर फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या होगा, ये बी की डायरेक्शन पहले है राइट साइड पे, ये है प्लस पॉजिटिव साइड, यानी पॉजिटिव वेक्टर है ये, तो नेगेटिव बी जब हम करेंगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो अगर हम माइनस बी लिखें तो वो माइनस बी वेक्टर होगा ऑपोजिट साइड पे, यानी जो ओरिजिनल जो उसकी डायरेक्शन थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन अगर हम कर देंगे तो वो उस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कहलाता है। तो हमारा इस केस में नेगेटिव बी वेक्टर जो होगा वो इस तरह से बनेगा। अब अगर हम इस नेगेटिव बी वेक्टर को ऐड करना चाहें ए को, तो जैसे हमने हेड टू टेल रूल में पढ़ा था कि पहले वेक्टर का जो हेड है दूसरे वेक्टर की टेल के साथ हमने ज्वाइन कराना,
तो इस केस में ए नेगेटिव बी के केस में भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे ए वेक्टर, इसका हेड ये जो हमारा नेगेटिव बी वेक्टर था इसकी टेल के साथ ज्वाइन करा देंगे, और अब हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर हासिल होगा वो कुछ इस तरह से आएगा, ए माइनस बी, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। तो ये तो था हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को फाइंड करने का मेथड। अब हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, यानी अगर हम किसी वेक्टर को किसी भी स्केलर नंबर से 1, 2 पॉजिटिव नंबर फॉर एग्जांपल और नेगेटिव नंबर्स -1, -2 वगैरह से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो तब हमारे वेक्टर पर क्या उसका असर होता है, तो वो चीज़ अब हम देखते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है कि हम वेक्टर को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन पे कोई असर तब तक नहीं होगा अगर वो पॉजिटिव नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक वेक्टर ए है और हमारे पास कोई स्केलर नंबर है एन, और उसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई अगर हम करवाएंगे तो जो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी वो एन टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, यानी जिस नंबर से भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे उतने टाइम्स उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर एन पॉजिटिव है यानी एन ग्रेटर देन जीरो है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसमें डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। लेकिन अगर हम किसी ए वेक्टर को एन टाइम से मल्टीप्लाई करवाते हैं और वो एन लेस देन जीरो है यानी वो एक नेगेटिव नंबर है तो उस वेक्टर की डायरेक्शन में चेंज आएगा, देयर विल बी चेंज इन वेक्टर्स डायरेक्शन। ये बात इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है कि वेक्टर को जब भी किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो एक तो उसकी मैग्नीट्यूड उतने टाइम ही इंक्रीज हो जाएगी जितने जिस नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, दूसरी चीज़ अगर वो वैल्यू पॉजिटिव में है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी वेक्टर की, अगर वैल्यू नेगेटिव है जिससे हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो उस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब हमारा अगला टॉपिक है यूनिट वेक्टर, कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर कहते हैं कोई ऐसा वेक्टर जिसकी अगर हम मैग्नीट्यूड लें तो वो 1 के इक्वल आ जाए। यूनिट वेक्टर के बारे में जो आपने और बात याद रखनी है वो ये है कि यूनिट वेक्टर को हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए बताने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसको हम अगर रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये अगर वेक्टर है हमारे पास, इसका हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो वो किस तरह से आएगा, हम वेक्टर ए लिखेंगे और उसके ऊपर छोटी सी एक कैप का निशान बना देंगे, जिस तरह वेक्टर के लिए हम एरो हेड लिखते हैं उसके ऊपर, तो यूनिट वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम वेक्टर के ऊपर एक कैप बना देंगे। और ये इसका फार्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इस यूनिट वेक्टर को हम क्या कहेंगे कि ये यूनिट वेक्टर ए की डायरेक्शन में है, यानी इसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ये फार्मूला है, आपने याद रखना है, जब भी आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए दिया जाए तो आप क्या करेंगे, आप वो वेक्टर लिखेंगे और उसकी मैग्नीट्यूड से उस वेक्टर को आप डिवाइड करवा देंगे। इसके बाद जो हमारा अगला वेक्टर है वो है नल वेक्टर। नल वेक्टर जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो, जिस तरह यूनिट वेक्टर में अगर उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 हो, यानी किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 हो तो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, लेकिन अगर किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लें और वो 0 के इक्वल आ जाए तो उसको नल वेक्टर कहते हैं। ये एक इमेजिनरी वेक्टर होता है और इसको अगर हम डिफाइन करें तो इस तरह से कर सकते हैं कि अगर वेक्टर ए प्लस नेगेटिव वेक्टर ए लें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 0 के इक्वल आएगा, और इस वेक्टर को हम नाम देते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर के बाद जो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक वो है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यानी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। ऑर्थोगोनल से मुराद उन वेक्टर को कहते हैं जो एक दूसरे के राइट एंगल होते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर उनको कहते हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी उन वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 का बन रहा होता है, ऐसे वेक्टर को हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं। लेकिन जब बात की जाए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है तो आपने याद रखना है कि जो एक्स
वाई एंड जी एक्सिस हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक्सिस ड्रा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन है। इन एक्सिस को डिफाइन करने के लिए तीन यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक्स एक्सिस को डिफाइन करने के लिए हम यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं आई, वाई के लिए यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है जे और जी एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है के। तो ये जो वेक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं एक्स वाई और जी एक्सिस को डिफाइन करने के लिए, इनको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। आई जे एंड के आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, इसको हम इस तरह से लिख भी देते हैं। यहाँ पे यूनिट वेक्टर आई ये होता है एक्स एक्सिस के लिए, यूनिट वेक्टर जे ये है वाई एक्सिस के लिए और यूनिट वेक्टर के है जी एक्सिस के लिए। और इन तीनों वेक्टर्स को हम कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स।